पार्टी के पूर्व सांसद आनंद मोहन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 5 जनवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी उपस्थित हुए। साथ ही छात्र युवा संघ के अध्यक्ष रहे कुमार ओमकार ने क्या कहा, आइए देखें। सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में एक टूटा हुआ सूरज माने जाते थे आनंद मोहन। 90 के दशक में बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे, बिहार की जमीन की राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव रहा उनको, और सांसद रहे, बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक रहे। जी, जिस केस में इनको सजा मिली 14 साल का, और जेल की सजा भुगत रहे हैं आजीवन उम्र कैद रहने के बाद, उस केस में आनंद मोहन जी पूर्ण रूप से निर्दोष थे। छोटन शुक्ला की हत्या हुई, छोटन शुक्ला इनके पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे मुजफ्फरपुर से, और उनकी हत्या हुई। पुलिस के वेश में कुछ अपराधियों ने थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर उन्हें गोली से भून लिया गया। आनंद मोहन जी के पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, और बतौर नेता के रूप में हर नेता की जिम्मेदारी होती है, यदि किसी कार्यकर्ता उसके दल के प्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो तो उनके समर्थन में उतरते हैं। तो आनंद मोहन जी इसी प्रकार उनके शोक संवेदना में भाग लिए थे, और शोक संवेदना में भाग लेने के बाद वह पुनः हाजीपुर चले गए, जो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। और इसी दौरान जब हाजीपुर पहुँचते हैं, किसी अपराधी ने जी कृष्ण ने या साहब की हत्या कर दी, जबकि उनके साथ 105 सशस्त्र कांस्टेबल, 2 DSP, 2 SDO वगैरह सब थे। इसके बावजूद भी, और ऐसा माना जाता है कि कृष्णैया साहब को पूर्व से ही धमकी दी जा रही थी कुछ अपराधियों के द्वारा, हम तुम्हारी हत्या करवा देंगे, लेकिन उस केस में जबरदस्ती आनंद मोहन को तकनीक रूप से घेर दिया गया, जिस वजह से आज तक वह जेल के सिक्सों में। यह आंदोलन का स्वरूप जो है इतना बृहद कैसे हो गया? इसलिए बृहद हुआ सर, लगभग कानून विशेषज्ञ से लेकर बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ को ये पता है कि इस केस में आनंद मोहन जी निर्दोष रहे, और इसके खास करके मौजूदा सरकार से अपेक्षा और बढ़ जाती है। जो सरकार इतने फैसले लिए हैं, उस फैसले से स्पष्ट होता है कि सरकार देश हित में बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं उस समाज, उनके आनंद मोहन के चाहने वाले, आनंद मोहन के समर्थक, उनके साथी मित्र सब आहत हैं, सब चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो, सब जानते हैं कि इनको फंसाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। यह आंदोलन ये समस्त भारत में आप लोग ये जागरण फैला रहे हैं? बिल्कुल, इसका एक फैला नहीं रहे सर, ये फैल चुका है। अभी इस जलसा में आप देखेंगे देश के सभी राज्यों से लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं, कई गाड़ियां रोक दिया गया है, 3-4 गाड़ी जो मुझे अभी सूचना मिली है, कुछ बदरपुर में गाड़ी रोकी गई है। तो आपको लगता है सरकार एक दमनकारी रूप में इसको ले रही है नहीं, सरकार से हम लोग गुहार करने की, न्यायपालिका के समर्थन में हम लोग, ना तो हमारा किसी एजेंसी से, सरकार से, सरकार के कारगुजारी पर विरोध है, बस हम लोग एक न्याय की गुहार करने के लिए सरकार से आए हैं, न कि हमें इससे कोई राजनीतिक लाभ लेना है। हम सरकार से अपेक्षा इसलिए करते हैं कि सरकार बहुत सकारात्मक कदम उठा चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार की तवज्जो इस पर जरूर जाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।